नमस्कार बच्चों, मैथमेटिक्स ओलंपियाड्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि जानते हैं कि फ्यूचर में आपको अगर बड़ा बड़ा संस्थान जैसे आईआईटी हो गया या अच्छा मेडिकल कॉलेज हो गया, जो भी क्वेश्चंस का सिलेबस देखे या आपका ख्वाहिश है आपको आईएएस ऑफिसर बनने का, या बहुत अच्छा 10+2 के बाद अगर बड़ा संस्थान में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो आपको 6 से ही ओलंपियाड का क्वेश्चन बनाने का प्रयास करना चाहिए और एग्जाम भी देना चाहिए। इससे आपका मल्टी डायरेक्शन अप्रोच जो होता है कोई क्वेश्चन बनाने का, वो आपका डेवलप होगा। फ्रॉम 6 स्टैंडर्ड से आपका मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार हो जाते हैं कोई भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो मेरा प्रयास रहेगा कि 6 स्टैंडर्ड से लेके 12 स्टैंडर्ड तक का मैथ और फिजिक्स, खासकर एनसीईआरटी बुक का जो भी कॉन्सेप्ट है उस पर जितना भी एक्सरसाइज है और ओलंपियाड से रिलेटेड उसको कैसे हम इम्प्रूव स्टेप फेज 1 फेज 2 फेज 3 करके मैं अपलोड लेक्चर करूंगा। और इस सेशन में कुछ देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम अलजेब्रा से, ये पार्ट 1 है। और इसमें कोशिश करूंगा कि 3 क्वेश्चन में कवर कर दूं, ठीक है। तो आप अगर 7 या 8 लेवल तक का अलजेब्रा बना चुके हैं तो देखिए ओलंपियाड का स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन ओलंपियाड लेवल तक का क्वेश्चन क्या है, और क्वेश्चन नंबर आप 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 अलजेब्रा क्वेश्चन है कि इफ x^4 x+16 रहेगा, यहां पे क्या है वो x+16, देन तब x का मान आपको निकालना, क्या मान निकालना, x का मान निकालना। पहला क्वेश्चन, अगर एनसीईआरटी बुक बनाए होंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको नहीं मिला होगा। तो एनसीईआरटी बुक खत्म करने के बाद 7 या 8 जो भी आपका स्टैंडर्ड है, तो कोशिश कीजिए कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको सॉल्व कीजिए अभी से, ठीक है। तो आप सॉल्यूशन देखने से पहले आप खुद कोशिश कीजिए क्या करें, लॉ का यूज करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ लॉगरिथम यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि आप लोग बना चुके हैं एनसीईआरटी बुक में। और कोशिश कीजिए एनसीईआरटी बुक का A to Z क्वेश्चन सॉल्व करें, एग्जाम्पल का, एक्सरसाइज का, जो भी थ्योरी पार्ट है आप प्रयास कीजिए खुद। और उसका लेक्चर भी धीरे धीरे मैं बनाऊंगा फ्रॉम 6 स्टैंडर्ड टू 12 स्टैंडर्ड तक का। अब इस क्वेश्चन में अब देखिए, पहले प्रयास कीजिए खुद, लॉग लीजिए बोथ साइड, ऑटोमेटिक बन जाएगा। इसका मैं सोल्यूशन बना रहा हूं, ठीक है। तो पहले क्या लिखा हुआ है, x^x = 4x+16, बिना लॉग लिए बनेगा नहीं, आप किसे लॉग लेंगे, आप इसमें लॉग लीजिए बोथ साइड, लॉग बेस 4 रखिएगा, 4x^x कर दीजिए, क्यों रखेंगे, क्यों यहां पे कैंसिल होगा, लॉग बेस 4, इसमें बेस 4 कीजिए और x+16, इसको ब्रैकेट रख सकते हैं, ठीक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं अगर log a रहे, यहां पर भी a रहे, इसका मान होता है 1, और लॉगरिथम अगर बेस a है, यहां a है, और सॉरी यहां b मान लीजिए, और पावर c रहेगा, ये c बाहर चला जाएगा, पावर c लॉगरिथम a इंटू b, बस यही चीज है, जो पावर है ये बाहर चला जाए, x कहां चला जाएगा, यहां पे, इसको यहां रख दीजिए x, log रहने दीजिए, 4x है तो x रहने दीजिए यहां पे, इक्वल टू ये जो 4 दिया हुआ है x+16, तो x+16 यहां चला आएगा ब्रैकेट, फिर यहां क्या होगा, log यहां 4 यहां 4 है, देखिए इसीलिए बेस क्या लिए, 4 लिए, भाई इसीलिए आपको डिफरेंट डायरेक्शन में सोचना पड़ेगा, कुछ भी ले लेंगे, यहाँ 4 4 यार वैल्यू 1 आ जाएगा यहाँ पे, अब यूज कीजिए x log बेस
4x बेस 4, यस बेस 4x इक्वल टू इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो x प्लस क्या होगा यहाँ पे 16 और टोटल पे मल्टीप्लाई क्या होगा इनटू 1, क्योंकि लोग ए ए अगर बेस और इसका बेस और ये पॉइंट अगर दोनों एक ही है तो इसका वैल्यू 1 होता है, इनटू 1 कर दीजिए ये इनटू 1। अब इसको डिवाइड कर सकते हैं, लॉग 4x डिवाइड कीजिए तो x प्लस 16 डिवाइड बाय क्या होगा x, इसमें आप साइन इस टाइप से दे सकते हैं, ठीक है, दैट इज। अब इसमें देखिए, अब इसका वैल्यू क्या आएगा, अलग अलग करते हैं तो x डिवाइड बाय x प्लस 16 डिवाइड बाय x कट गया 1, ये और ये कैंसिल, 1 प्लस 16 बाय x बस। अब फिर यहां पे यूज कर सकते हैं, क्या यूज करेंगे, log 4x इक्वल टू 1 प्लस क्या होगा 16 डिवाइड बाय x। अब क्या कर सकते हैं यहां पे, अब यूज कर सकते हैं यहां पे 1 जो लिखा हुआ है और यहां पे 4 है, तो इसमें अब क्या कर सकते हैं यहां पर फिर अब यूज कीजिए ब्रेन का। अब जब ऐसा कंडीशन रहे तब देख सकते हैं यहां क्या कि यहां 4 है यहां x है, अब कैसे कटेगा कि अब यहां फिट आपको एज्यूम करने पर लेट आप क्या कर दे लग दिए x इक्वल टू 4, आप क्या यूज कर सकते हैं 4m यूज कर सकते हैं 4m, तो जहां पे आपका x यहां 4m क्या बेनिफिट है, यहां तो 1 हो जाएगा यहां भी कट जाएगा तो कुछ पॉजिटिव आ जाएगा यहां पे आंसर, तो log 4 यहां पे लिखिए 4m, ठीक है, इक्वल टू 1 प्लस 16 डिवाइड बाय 4m, इजी हो गया यहां पे। अब क्या होगा, इसको ब्रेक कर सकते दो पार्ट में, log बेस 4 ये बेस 4 प्लस फिर यहां पे क्या होगा log 4 और यहां पे m, क्यों, क्योंकि जानते हैं कि जब मल्टीप्लाई रहता है यहां क्या होगा पीछे प्लस हो जाता है, इक्वल टू 1 प्लस ये कट के कितना आ जाएगा 4 कट जाएगा तो क्या होगा 4 डिवाइड बाय m हो जाएगा, 4 डिवाइड बाय m, इसका वैल्यू क्या हुआ 1, 1 1 कैंसिल, नेक्स्ट लाइन देते हैं आपका 1 1 कैंसिल होगा इसका क्या होगा यहां पे और 1 हो जाएगा, इसमें log बेस 4 यहां पे m होगा इक्वल टू 1 प्लस 16 को जाएगा 4 डिवाइड बाय क्या हुआ बस 1 और 1 कैंसिल बस हो गया आंसर, फिर log 4m इक्वल टू 4 डिवाइड बाय m। अब क्या कर सकते हैं इसमें, अब इसमें क्या कर सकते हैं देखिए, जैसा कि जानते हैं कि अगर log इसे याद कीजिए 10 रहेगा यहां 100 रहेगा क्या वैल्यू होता है 2, इसका मतलब क्या इस पर पावर 2 आता है, मींस 10 का स्क्वायर इक्वल टू 100, तो इस पर स्क्वायर को होगा तो यहां पे क्या लिख सकते हैं 4 आप 100 है ना यहां पे तो 4 टू पावर 4 बाय m, या ऐसा कर सकते हैं आप इस तरह भी कर सकते हैं थोड़ा सा एक मिनट और इसमें और क्या कर सकते हैं थोड़ा सा, इसीलिए आपको सोच के करना सोचना पड़ेगा पहले, इसमें क्या आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्या होगा m log 4m इक्वल टू 4 सिंपल लिखिए और यहां पावर ऊपर कर सकते हैं log बेस 4 m पावर m कर सकते हैं प्रॉपर्टी हिसाब से इक्वल टू 4, अब इसको लिखिए therefore m टू पावर m इक्वल टू 4 टू पावर 4 हो जाएगा। देखिए अब क्या होगा दोनों के इक्वल क्या कैसे होगा therefore m इसका क्या निकल जाएगा 4 हो गया, क्यों, क्योंकि m अगर 4 रहेगा तो पावर 4 तभी इक्वल हो सकता है, जब m 4 हो गया तो m भी और क्या यूज किए x इक्वल टू 4m, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 4m से तो 4m इक्वल टू तो 4 इंटू 4 कर दीजिए दोनों साइड, इसको बोलते हैं x, x का वैल्यू कितना आ गया 16, कितना वैल्यू आया 16, तो x का वैल्यू आ गया 16, इसमें क्या निकालना था आपको x इक्वल टू वैल्यू निकालना था व्हाट इज द x, x का वैल्यू हमें 16 पुट कीजिएगा टोटल ऑटोमेटिक वैल्यू आ जाएगा 16, अब चेक कीजिए इसको वैल्यू चेक भी कर सकते हैं
16 टू पावर 16 इक्वल टू 4 16 प्लस 16। बस क्या कर सकते हैं, 4 है यहाँ, 4 पावर क्या होगा स्क्वायर, तो 32 कर दीजिए, यहाँ 4 ऐड कीजिएगा 32 बराबर हो गए। तो देखिए इसमें कितना ढंग से आपको सोचना पड़ा क्वेश्चन। तो कैसे हम करेंगे, क्या अप्रोच लगाएंगे, तो इसमें प्रैक्टिस करते करते आपको डेवलप हो जाएगा। तो दो तीन स्टेप है, तो थोड़ा सा इस टाइप का क्वेश्चन ओलंपियाड में पूछा जाता है। और आपको एक वीडियो में पूरा ओलंपियाड के बारे में बताया जाएगा कौन सा ओलंपियाड सही है ना। तो इसमें आप देखिएगा कि ऑफिशियल वेबसाइट में मैं बताऊंगा एक तो कैसे रजिस्टर करते हैं, ठीक है, नेशनल गवर्नमेंट से रजिस्टर कौन सा ओलंपियाड है और उसका क्या रेगुलेशन है। फ्रॉम 6 स्टैंडर्ड्स आप स्टार्ट किए, ऐसे तो स्टार्ट हो 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन आप फ्रॉम 6 से आप अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं किस वे में पूछा है। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बताऊंगा इसी टाइप का।